गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज आपको डेली विषय आपको बोर्डा के क्लासिफिकेशन के बारे में बताना है। पिछले टर्म में हमने आपको बताया था प्लेटी हेलमिंथीज, निमेटी हेलमिंथीज, उनके एग्जांपल्स बताए थे। आज आपको ये दो एनिलिडा और आपको बोर्डा सबसे पहले लेते हैं नंबर ये एनिलिडा। एनिलिडा का मतलब होता है सम खंड युक्त जल, खंड युक्त जल तो आपके जैसे इंडिया सोडियम भी था और भी थे, लेकिन यहां पे क्या है कि सब खंड युक्त मतलब है कि जिनका शरीर समान खंडों का बना हो। और दूसरी विशेषता इन जंतुओं की यह है कि इनमें रक्त परिसंचरण बंद प्रकार का होता है, क्लोज्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है कि जब रक्त रक्त वाहिनियों में बहता है तब उसे कहा जाता है क्लोज ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, और जब रक्त देह गुहा भरा होता है या पूरे शरीर के अंदर देह गुहा भरा होता तब उसे कहा जाता है खुला रक्त परिसंचरण। खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। तो पहला लक्षण इनका विषय ये है, ये सब खंडयुक्त होते हैं। दूसरा बेसिक लक्षण इनका ये है कि इनका रक्त परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है, अर्थात रक्त रक्त वाहिनियों में बहता है। तीसरा बेसिक लक्षण इनका ये है गमन या गत के लिए सीटी पाया जाता है, हिंदी में इनको सूप कहा जाता है। और जो गतिशीलता पाई जाती है सीटी और सूप के कारण, ये इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान, तो जैसे केचुआ है, जोंक है, नेरिस है, हाइड्रोनेरिस है आदि इसके उदाहरण है। इस तरीके से अगला लक्षण भी ये है कि उत्सर्जन के लिए वृक्कक पाए जाते हैं, नेफ्रेडिया। ये एक्चुअली वृक्क का ही विकसित रूप होता है हम लोगों में, क्योंकि किडनी पाई जाती है यानी हम लोगों में कितना पाया जाता है, और हम लोगों को पहले के ये क्योंकि विकसित जंतु हैं तो इनमें ये पूरा वृक्क पाया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि नेफ्रेडिया से ही वृक्क की उत्पत्ति हुई, इसके पहले था आदि वृक्क। आदि वृक्क से वृक्क और फिर वृक्क से वृक्क नोराइज किडनी। तो इस तरीके से उत्सर्जन के लिए इनमें ये बड़ा ये और किसी में नहीं पाया जाता, अन्य किसी समुदाय के जंतु में आपको ये वृक्क और नेफ्रेडिया नहीं मिले। अगला बेसिक लक्षण इनमें यह है कि इनका रक्त जो है वो लाल होता है, रक्त लाल। क्यों? हीमोग्लोबिन के कारण। अब है क्या कि रक्त तो लाल होता है, लेकिन ये क्योंकि इनवर्टी ग्रेड का एनिमल है तो
इनवर्टिंग एज यानी अकस्मिकी। हड्डियां नहीं पाई जाती हैं जो कशेरुकी होते हैं। इनका भी अर्थलाभ होता है लेकिन आकाशेरुकी समुदाय में केवल ये एलिलीटा के ही जंतु हैं जिनका रक्तलाल होता है। अन्य सबका रंग या तो सफेद होगा या तो बैंगनी होगा या तो पानी के तरीके होगा, लेकिन अब इनका रक्तलाल होता है जैसे केचुआ है तो रक्तलाल है तो कैसे है, हीमोग्लोबिन के कारण। लेकिन कार्डेटा और नॉन कार्डेटा के जंतुओं में एक बड़ी विशेष अंतर है कि केचुआ में जो हीमोग्लोबिन होता है वो ब्लड प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है, ब्लड प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है। और जो कार्डेटा समुदाय के जंतु होते हैं जैसे मेंढक, मछली, मनुष्य आदि, तो इनका जो हीमोग्लोबिन होता है वो आरबीसीएस में है। आरबीसीएस मीन्स रेड ब्लड कार्पल्स। तो इस तरीके से ये याद रखने वाली बात है कि एलिलीटा समुदाय के जंतुओं में रक्त लाल होता है लेकिन उनका हीमोग्लोबिन ब्लड प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है, और कशेरुकी जंतु जैसे मनुष्य है उनमें जो रक्त लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण है, और वो हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसीएस में डिजॉल्व है। अगला बेसिक लक्षण इसका यह है कि द्विलिंगी होते हैं। हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल मीन्स मेल फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही शरीर में पाए। इसलिए इसको द्विलिंगी माना जाता है। और अब क्योंकि खंड युक्त है तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स 1 से लेकर 13 खंड के बीच में और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स 18 से 26 खंड तक और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स 1 से लेकर 13 के बीच में पाया जाता है। अब क्योंकि बहुत ज्यादा है इसका डिटेल में आपको नहीं केवल याद केवल आपको इसके लक्षण ही पढ़ लेंगे। अगला बेसिकली लक्षण इसका यह है कि रिस्पायरेशन जो होता है वो बॉडी सरफेस से या गिल्स के बाद गल्फड़ों में, तो इस तरीके से और केचुआ इसका उदाहरण है। ये जो इसका भाग है इसे कहा जाता है हिंदी में पर्यावरणिका छेद, इंग्लिश में क्लाइटेलम रीजन। ये इसके पहले का रीजन जो है वो प्री क्लाइटेलर रीजन और ये जो है पूरा ये हो जाता है पोस्ट क्लाइटेलर रीजन।
ये भी खंड जो होते हैं, ये जो खंड होते हैं, इसके पहले ये 13 खंड होते हैं, 13 सेगमेंट्स, और ये 14, 15 और 16 ये जो 3 खंड होते हैं ये क्लाइटेरियल रीजन के होते हैं। और ये आप समझ लीजिए कि ये केवल एलिविगा समुदाय के जंतुओं में ही क्लाइटेरियल रीजन पाया जाता है, सब में नहीं पाया जाता। तो इस तरीके से ये आपके हुए एलिविगा संघ के लक्षण। अब देखिए आपको आर्थ्रोपोडा का मतलब ये होता है कि संयुक्त फिक्स, पोडा माने होता है फिक्स, आर्थो माने होता है ज्वाइंटेड, और पोडा माने होता है फिक्स। तो जिनके पैर संयुक्त हो, जुड़े हुए हो, उनको कहा जाता है कि ये होते हैं संयुक्त उपांग उपस्थित। ये जंतु जगत का सबसे बड़ा समुदाय है, और इससे समुदाय बड़ा है नहीं। और आप मान के चलिए कि 90% आर्थ्रोपोडा के जंतु संसार में पाए जाते हैं, और 10% में अन्य सांगे के जंतु। तो इस तरीके से अब देखिए इनमें क्या है कि अब जैसे कीट आते हैं इसके अंदर, तमाम कीट हैं। तो आपके आसपास जो जंतु है उसमें जैसे कोई एक जंतु ले लीजिए, जैसे ये लगभग लगभग हाउस फ्लाई से कहा जाए मक्खी। तो अब देखिए ये ज्वाइंट्स, इनको ज्वाइंट्स कहा, शरीर सिर वच और एब्डोमिन में बटा होता है। और सबसे और कोई समुदाय के जंतु ऐसे नहीं है, खंड तो है लेकिन इसके पहले जो था एलिविगा था उसमें समान खंड थे, लेकिन इसमें शरीर जो है खंडयुक्त होता है लेकिन समान नहीं होता। तो ये सिर हो गया, ये वच हो गया, ये उदर हो गया। अब देखिए सिर में एक जोड़ी एंटीनी, एक जोड़ी कंपाउंड गाइस, इसके बाद हर क्षेत्र के बीच से जहां जहां ज्वाइंट होगा वहीं से एक एक जोड़ी ये टांगे निकली, यानी कि 6 टांगे। इसे ये जैसे फीमर हो गया, ये टीनर की ये फीमर हो गई, टिबिया हो गई, ये प्लेट हो गई, इस तरीके से ये पोडोमियर्स हो गए। तो ये खंड होते हैं, इसलिए आधार पर इनको संयुक्त जंतु कहा जाता है। और बहुत बड़ा समुदाय है, इससे बड़ा समुदाय संसार में कोई है नहीं। तो बेसिकली ये लक्षण होगा, शरीर 3 भाग में बटा होता है, सिर वच उदर, हेड थोरैक्स एब्डोमेन।
टाइम कितना हुआ? पंद्रह मिनट।